नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। रीवा जिले के तराई अंचल में अवैध मदिरा आसवन एवं विक्रय की लगातार मिलती शिकायतों के चलते कलेक्टर रीवा मनोज पुष्प द्वारा पुलिस एवं आबकारी विभाग को संयुक्त कार्रवाई करने के लिए निर्देशित किया गया था। उक्त आदेश के अनुक्रम में पुलिस अधीक्षक रीवा नवनीत भसीन एवं सहायक आबकारी आयुक्त रीवा विक्रमदीप सागर द्वारा कार्य योजना बनाकर पुलिस लाइन से एक चार का गार्ड लेकर ग्राम पटेरा थाना तरैला में बड़ी कार्रवाई की गई। कार्रवाई को लेकर बताया गया कि आबकारी विभाग को मुखबिरों से सूचना मिली कि पटेरा बाजार में छोटे लाल गुप्ता अपने मकान एवं दुकान से अवैध मदिरा की बिक्री करता है, जिसके बाद छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें मौके पर छोटे लाल गुप्ता की पत्नी सावित्री देवी उपस्थित पाई गई, जिसके बाद तलाशी लेने पर आरोपी के रिहायशी मकान से प्लास्टिक के चार डिब्बों में कुल 60 लीटर हाथ भट्टी मदिरा बरामद कर मध्य प्रदेश आबकारी अधिनियम की गैर जमानती धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम कर गिरफ्तार किया गया। उक्त कार्रवाई के बाद संयुक्त दल द्वारा ग्राम चौखंडी एवं गाढ़ा 138 में कार्रवाई की गई, जिसमें चौखंडी में सविता पासी के रिहायशी मकान से 5 लीटर कच्ची मदिरा, पुष्पा पासी के रिहायशी मकान से 5 लीटर हाथ भट्टी मदिरा, ग्राम गाढ़ा में नीता माझी के रिहायशी मकान से 400 किलोग्राम लाहन बरामद कर प्रकरण कायम किए गए। कार्रवाई को लेकर सहायक आबकारी आयुक्त द्वारा बताया गया कि संपूर्ण जिले में अवैध मदिरा के आसवन विक्रय परिवहन एवं संग्रह के विरुद्ध आबकारी विभाग की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी। आज की कार्यवाही में कुल 4 प्रकरणों में 70 लीटर हाथ भट्टी महुआ शराब एवं 400 किलोग्राम महुआ लाहन बरामद किया गया है। की गई कार्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी लोकेश ठाकुर, आबकारी उप निरीक्षक आशीष शुक्ला, शबनम बेगम, अभिषेक त्रिपाठी, मनोज बेलवंशी सहित विभाग की टीम शामिल रही।